जिले में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। पहली डोज के 84 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों में दूसरी डोज लगवाने की रुचि नहीं है। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद भी लोग इसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हालांकि तीसरी लहर रोकने के लिए जिला प्रशासन व जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से बार बार लोगों से कोरोना महामारी के मद्देनजर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई जाने की अपील की जा रही है। बगैर सर्टिफिकेट राशन पर भी रोक लगाई गई है। घर घर जाकर संपर्क करने के साथ मुख्य बाजार चौक चौराहों पर भी टेंट लगाकर आवाजाही करने वाले लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सेंटरों पर केवल कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए इन लोगों को दूसरी डोज लगवाना चुनौती बन गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल बढ़िया आपने बोलिया। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि मीडिया को हमारा जो आपका सपोर्ट है उसके अनुसार और हमारे जो ये जितने भी हमारे सेंटर आज हमने जो लगाए हैं यहाँ पर 300 से ज़्यादा पूरे जिले में लगे हैं और हमारा 21,000 का टारगेट है। आज हमने जो निश्चित किया है कि हमको 21,000 डोज लगाने हैं और हम डेली कर रहे हैं। कल भी हमारा 30,000 के करीब हुआ था और हम चाहेंगे कि हमारा ये जो टारगेट जो हमको मिला है अभी 81,000 का उसको हम पूर्ण करें। और एक बात और मीडिया आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कलेक्टर मैडम और हमारे CEO जिला पंचायत हमारे जो दिव्यांग सर हैं उनके माध्यम से और उनके सपोर्ट से उनके मार्गदर्शन में हम लोग सभी इस तरह का पूरा आयोजन कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि हमारा टारगेट हम पूरा करें। ये शहर के साथ ग्रामीण स्तर पर भी होगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ग्रामीण स्तर पर भी किया है और ग्रामीण स्तर पर भी पूरा महकमा हमारे पूरे सारे विभाग कलेक्टर मैडम ने जिनको निर्देशित किया है तो सारे विभाग हमारे जितने रेवेन्यू हैं पंचायत हैं नगर निगम हैं सारे विभाग ICDS महिला बाल विकास शिक्षा विभाग सारे लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे लगभग कितने दिन तक चले गए ये दिसंबर के लास्ट वीक तक जो हमारा सेकंड डोज है हम पूरा पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा देखा गया है पहले वैक्सीन में लोगों में काफ़ी उत्साह था लेकिन अभी दूसरा वैक्सीन डोज लग रहा है लेकिन लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं दिख रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि हमने मीडिया के माध्यम से जो जागृति पैदा करना है हमको कि सेकंड डोज में उनको ये लगा कि अब एक पहला डोज लग गया और कोई केस नहीं है तो उसके माध्यम से भी हम सारे विभाग जितनी जो मैंने बताया कलेक्टर मैडम ने जो हमको निर्देशित किया है तो हमने सारे विभागों को बुलाए और सारे विभाग यही काम कर रहे हैं कि उनको बताया है कि दूसरा डोज लगना अत्यंत जरूरी है जिससे पूर्ण इम्यूनिटी होगी और बच पाएंगे। क्योंकि कह नहीं सकते कि तीसरी लहर आई तो कुछ परेशानी लोग आ नहीं रहे हैं। नहीं उनके लिए ही तो बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल जागृति नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट डोज कोरोना हट गया, बस एक डोज लग गया कोरोना नहीं है हमको सेकंड डोज ही लगाना, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे अगर सेकंड डोज ही लगाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं सेकंड डोज जब तक नहीं लगेगा जब तक आप में इम्यूनिटी नहीं आएगी और 100% इम्यूनिटी के लिए आपको सेकंड डोज लगाना जरूरी है। क्या नाम सर आप? मैं डॉक्टर संजय भट्ट जिला टीकाकरण अधिकारी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।